हर एक रहनुमा से बिछड़ना पड़ा मुझे, हर मोड़ पर कोई ना कोई घात हो गई, हर चौक हर चौराहे का मौजू है सियासत, ये कौम माहिरे सियासियत हो गई। हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया, बचा कुछ नहीं जो कमाया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, सबका भांडा भी फोड़ जाऊंगा। मैं बात करता हूँ खरी अब तशरीफ ला रहे वासे चौधरी। प्यारे देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर मैं आज एक फिट हसीन मासूम सा लड़का लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा? सुबह ही भाभी से मार खा के आए। वो क्यों? और भाभी ने कहा अगर आप कहें तो मैं आपको चिकन बना दूं। आगे से कहने लगे ले एडी तो जादूगर नहीं। जैसे सारा खून आपकी कमीज चूस गई है। आज के पहले मेहमान को दावत देते हैं, ताल्लुक है उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, आखिरी दमों पे चल रही है इस वक्त उनकी हुकूमत, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका हुआ है शुक्र अल्लाह का, इसलिए उनको बुलाते और पूछते रहे कैसे रहे ये 5 साल और अगले 5 के बारे में उनका क्या ख्याल है। आप सबकी तालियों में जनाब मोहम्मद एजाज शफी साहब। शफी साहब बहुत दूर यानी कि रहीम यार खान से आए हैं, वहां पे हमने अपना अगला मेहमान जो है जर्मनी से उनको बुलवाया, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और अब जर्मनी में क्या कर रही हैं ये उनसे पूछेंगे। मोहतरमा फिया खान। आज के मौजूद मेहमान के लिए एक शेर है, इलेक्शनों के बादल छा गए हैं, इलेक्शनों के बादल छा गए हैं, नए उम्मीदवार मैदान में आ गए। वोटर को नहीं वो तो इंसान है, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले मजाक रात में आ गए। आपकी इजाज़त साहब नजर शेर है, चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, चेहरे पे चेहरे पे उदासी आंखों में नमी है, ये लीडर की वजह या वोटों की कमी है? यार बहुत बुरी बात। इजाज़ साहब ये जो दो बातें आपने यहाँ से सुनी इसके बारे में पहले क्या कहेंगे आप? ना वोटर की कमी है ना लीडर की। खुल के गल करो तो वासे चौधरी इमरान खान ही बैठा खुल के गल। यार अच्छा तो यानी कि 4 टाइम जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये व्यू जो है वाम? नहीं 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 ये नहीं है। अच्छा वो बड़े सेटिस्फाइड है क्योंकि हमने डिलीवर किया, काम किया। पिज्जा डिलीवर कर दे? नहीं नहीं गर्मी के अंदर तो अभी वैसे इतनी गर्मी में इलेक्शन होने लगे हैं जी, क्या ख्याल है क्या होगा? देखिए वोटर ने अपने नेक्स्ट 5 ईयर का डिसीजन करना होता है तो उसमें जोश खरोश होता है, गर्मी सर्दी उसको ये मैटर नहीं करती। अच्छा हीट स्ट्रोक करा बैठे अपने आप को वो जोश खरोश में निकल जाएगा? जोश खरोश में आएगा जी अपने। बहुत अच्छे के लिए आप पे तुसी गड्डी चांदे हो एसी वाली असी आई भी गर्मी पे तलवा लई है। जर्मनी में भी गर्मी है क्या या नहीं? नहीं अभी कुछ अच्छा मौसम चल रहा है। ये आप जर्मनी किधर निकल गई हैं? बस बच्चों की पढ़ाई की वजह से और थोड़ा सा हालात की वजह से भी थोड़ा दिल बदजन सा हो गया। क्यों इतने अच्छे हालात रहे 5 साल में आपको क्यों बदजन हो गया? अगर अच्छे होते तो हम भी ये गुफ्तगू थोड़ी कर रहे होते वोटों की। ले देखें शफी साहब नहीं 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 छोड़ के जा रहे हैं आपके। अच्छे जी कराची में भी अमन है, पंजाब में भी अमन है और क्या, देखें आज कराची वही रोशनियों का शहर बन रहा है तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्यों जी कन्विंस नहीं? मेरा ख्याल है अमन दिल और इंसानों के घरों में होना चाहिए फिर अमन खुद से खुद आ जाएगा। आपको क्या ऐसी बात लगती है कि आपको नहीं लगता कि इनकी जो बात है वो सही है? क्योंकि जब हम आम आवाम से बात करते हैं तो उनके मसाइल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और हम लोगों के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये दिलों की बात है शायद की। अच्छा तुसी इजाज़ भाई सियासतदान लग ही नहीं रहे? हाँ। इंज लग रहे किराने वाले ने ते अफतारी का समान देना आए ने। यार ऐसी बात नहीं है वो ऐसा करते भी हैं।
हाँ जी सर, सारी इफ्तारी का इंतजाम है। उनके वोटर इतना है, उसका ख्याल भी तो वही रखते हैं ना। रहीम यार खान में बड़ा नाम है सर इनका, बड़ा ही होते ऊंट कराए थे देने। चल अब नून लीग की हुकूमत खत्म हो रही है तो तुम लोग ऐसी बातें करो। सर जिस मर्जी पार्टी में हो वोट इन्हीं को पड़ेंगे। काफ लीग में थे तभी इनको पड़ते थे, नून लीग में तभी, अब आप देखिएगा अचानक पीपल्स पार्टी में जाएंगे वहां भी पड़ेंगे। और आप इलेक्शन से 5 मिनट पहले मुझे कॉल करके पूछिएगा पीटीआई में होंगे। ये क्या बातें फैली हुई है सर? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नून में हूँ, नून में रहूंगा इंशाल्लाह। नहीं मगर काफ लीग में क्या कर रहे थे? मेरे स्टार्ट जो था वो पीएमएलक्यू से था। काफ लीग जो छड़ी है ना चोई शराब साहब दी तो छड़ी क्यों वो इन्हें तो मिट्टी पाउन लगे सन। मगर नहीं बताया ना क्यों काफ लीग, उस वक्त क्यों नून लीग चली साहब की बात समझ में नहीं आती। उस वक्त मेरा स्टार्ट था तो मैं समझता था कि अगर उस वक्त नून लीग बड़े क्राइसिस में थी। आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त नून लीग क्राइसिस में थी, ठीक है, और आपने नून लीग को ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद जब आपने नून लीग को ज्वाइन किया तो काफ लीग क्राइसिस में थी तो आप उनको छोड़ गए। आपने कभी सोचा अपने बारे में ऐसा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। नून लीग क्योंकि मैं बाय बर्थ बाय नेचर जो हूँ मैं मुस्लिम लीग से बिलोंग करता हूँ। कौन सी वाली? पीएमएलएन। पीएमएलएन से करते हैं। अच्छा, आपकी पैदाइश कब की है? 2003 की। पॉलिटिकल पॉलिटिकल पैदाइश 2003 की। मगर आपने ज्वाइन तो काफ लीग की। काफ लीग उस वक्त मार्केट में काफ लीग मार्केट में हिट हुए थे। आई मीन टू से के जो पीएमएलएन जो थी ना जी, काफ लीग जो पीएमएलएन का एक हिस्सा था ना जी। अच्छा, पीएमएलएन के ही मुस्लिम लीग थी। मगर उस वक्त भी तो निसार अली खान अकेले खड़े हुए थे जावेद हाशमी के साथ नून लीग को, अकेले डंडे खा रहे थे। पुराने उन्होंने ज्वाइन किए थे, मैंने तो स्टार्ट ही 2002 था। आप अभी स्टार्ट अपना वीक फुटिंग पे करें। सही बात है, फिर आप बताएं, बंदा स्टार्ट तो अच्छा करता है ना। बिल्कुल, पहले ओवर में आपको छक्के पड़ना शुरू हो जाए कोई अच्छी बात तो नहीं है। ओपनिंग तो ठीक होनी चाहिए। ओपनिंग ठीक होनी चाहिए बिल्कुल। क्लोजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। क्लोजिंग क्लोजिंग अच्छी होगी वैसे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हाँ जी होगी। कौन सी पार्टी आ रही है फिर? पीएमएलएन। अच्छा जी, किधर? फेडरल गवर्नमेंट भी बनेगी इंशाल्लाह पंजाब में। अच्छा जी, सिंध में नहीं जाने का प्रोग्राम? सिंध में भी आएगी, चारों सूबों में बनेगी। जा साहब खोल लो काम ते भी जाना जी। यार वो ऑप्टिमिस्ट आदमी है यार, तुम क्यों शक कर रहे हो उनके ऑप्टिमिज्म पे? ठीक है, आप तो ऑप्टिमिस्ट हैं। आप मुझे बताएं, बड़े कड़े वक्त पे वापस आई हैं पाकिस्तान, तो ये मुझे लग रहा है कि आप कुछ वोट डालने के मूड में भी हैं इस बार। मुझे की इजाजत नहीं है वरना मैं जरूर डालती। क्या नादरा वालों ने बंद किया हुआ वोट आपका? क्या हुआ? वोट डालना है, डाका नहीं डालना। वो ज्यादा आसानी से डल जाता है। मगर इजाजत किससे नहीं है? नेशनैलिटी की वजह से नहीं, क्योंकि मैं पैदा वहाँ हुई थी और पैदाइश के बाद यहाँ पर आ गई थी। तो आपके पास वो नहीं है, वो जो नाइकोप शाइकोप होता है? नहीं, नाइकोप नहीं बना। अच्छा, नाइकोप आपने छोड़ दिया? आपने कहा मैं वोट ही नहीं डालूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, नाइकोप वालों ने नहीं बना। तो मेरी बहन बात सुने, आप अगर यहाँ पे वोट नहीं डाल सकती नेशनैलिटी की वजह से, तो आप मुस्लिम लीग नून को जर्मनी में डाल दें। ये भी बात है ना, अब तो हो गया। क्या हो गया? एंजेला मर्केल ने भी नून लीग ज्वाइन कर ली? नहीं, वो ना जी आप अलाउ कर दिया है कि वो वोट डाल सकते हैं। क्या जर्मनी में नून लीग को वोट डाल? नहीं, नून को डालें या जिसको डालें या तो इनकी। नहीं, मगर जर्मनी में नून लीग को मुझे यकीन है कि ये पीएमएलएन को ही देंगे वोट। अच्छा, ये जिधर भी डालें इंशाल्लाह निकलेगा नून लीग का ही। नहीं निकलेगा, नहीं पीएमएलएन को ही देंगे वोट। सरों तो वोट ही नहीं हो, किधर से देगी बेचारी? मैं दे ही नहीं सकती इसलिए मैं कहूंगी कुछ नहीं। वोट अगर दिया तो मैं ये कह रहा हूं, अगर इन्होंने वोट कास्ट किया तो पीएमएलएन को। वो नहीं कास्ट कर रही, वोट जाया हो चुके हैं। वोटर जल्दी मना लो, फिर जाके दुकान भी बंद करनी है। मगर नहीं वैसे आप किसको वोट डालेंगे? मैं जी पीएमएलएन। अच्छा, यस तू है वाकफ था डाउ दे च। ट्राई करके देखें, आप पूरी तब्दीली चाहते हो? तब्दीली हम ही लेके आएंगे। आप किधर से लेकर आएंगे? लाए हैं कानून, किसी ने 100 का भाण नहीं देना तब्दीली के। वैसे कोई बंदा कभी चेंज के लिए कोई बता दे? आप बहुत ज्यादा बिरयानी खा रहे होते हैं रोज, तो आपका दिल चाहता है कि चलो यार आज मैं कुछ मुख्तलिफ खा लूं फॉर अ चेंज। हां फॉर अ चेंज, तो फॉर अ चेंज आपने ट्राई किया? किसको चेंज करें, क्या करें? वो चेंज वाले खुद अभी चेंज नहीं हुए तो हमने क्या चेंज करना है? एडे परेशान क्यों इतने, तुम नैब वाले छड़ के गए यार। वैसे नैब वालों का क्यों आपको लोग छेड़ते हैं बार बार? बस एक वो टारगेट किया जा रहा है। आपके पास कभी कोई है नैब शायद? नहीं मेरे पास तो नहीं है। नहीं है? नहीं। आपको कोई मिनिस्ट्री मिली हुई थी? मेरे पास 2-2 में थी जी, अब नहीं। तो वैसे आपको बुरा नहीं फील होता कि बाकी सबकी तरफ जाते हैं आपकी तरफ नहीं आते? नहीं, बाकी देखे एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपी हो, पीटीआई हो, अगर ये तो अच्छी चीज है। अच्छा एक मिनट, ये जो इसहाक डार के साथ हो रही है अच्छी चीज है? अगर उन्होंने किया तो ठीक, अच्छी चीज है। अच्छा भाई एहतसाब सबका होना चाहिए ना जी, जिसका भी है, अक्रॉस द बोर्ड सबका होना चाहिए।
अगर हो रहा है तो ठीक है। बाबा ये देखे ना, ये कौन कहता है कि मुस्लिम लीग नून वाले नहीं मानते, वो कह रहे हैं अगर हो रहा है तो अच्छी चीज है। आप अभी सारे तनकीद करते रहते हैं उनके ऊपर, बहुत बुरी बात है। आप जैसे व्यूज वाले हमें बड़े कम मिलते हैं लोग, आप क्या काम करते हैं? फिर माइंड मी आस्किंग। हमारी अपनी जमीनें हैं। जमीनें आपकी? और आई एम श्योर कि आपकी जमीनें बहुत अरसे से होंगी। यस, एंसेस्ट्रल जमीनें होंगी आपकी। आप क्या करोड़ हां रुपए मलकियत के मालिक हैं? नहीं नहीं है। आप टैक्स भी देते हैं सर? यस। ठीक है, और कितने अरसे से आपकी ये बावजदाद की जमीनें चल रही हैं? वो फादर से बहुत अरसा हो गया। 70 साल पाकिस्तान वाले काउंट कर दें इसके अंदर सारे के सारे जी। 70 साल आपके माशाल्लाह बावजदाद की जमींदारी है और आप कह रहे हैं कि आपके पास करोड़ हाँ रुपए नहीं है, तो आपके ख्याल में जो लोग आज से 30 साल पहले स्टार्ट हुए वो कैसे अरबपति हो गए? देखिये, जो फार्मिंग है वो सबसे स्लो अर्निंग चीज है। जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा उसमें बंदा ग्रो भी कर सकता है। बिजनेस कौन सा है जिसके अंदर इतना ज्यादा तरक्की? वैसे कमाल नहीं है, आपको फैसिनेट हो तो मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ कि सर ये एक आदमी जो है वो 20-25 साल में ऐसा जबरदस्त बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर था कि उसने वो कारोबार किया, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई स्टील मिल लगाई या कुछ और किया और वो उसके बाद अरबोपति हो जाए, तो ये अल्लाह की देन होती है। अगर कोई मतवसत घराने का बच्चा है तो वो सियासत कर सकता है, करनी चाहिए उसको ट्राई या नहीं? कर सकता है। कैसे करे? इनमें प्राउडो कितने की आती है? नहीं, प्राउडो होना जरूरी, मेरे पास प्राउडो नहीं। आपके पास क्या है? ये तो दो बारी थले आए ने उधर पास। जी भर के देखा ना कुछ बात की, ना सेल्फी बनाई मुलाकात की, दोबारा नहीं उसने शॉपिंग की जिद की, मंजर कशी ऐसी हालात की, वो कहने लगी डीजे अरसा हुआ है कि चाय नहीं पी तेरे हाथ की। अच्छा जी, आप उसके साथ इतने अच्छे थे तो उसने आपको धोखा क्यों दिया? बैलेंस की कमी दी वजह तो। आप उसे सच्चा प्यार करते थे? और कैमरे की सफाई सी। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। फिया ये बताएं, सुना एक फिल्म में भी काम कर रही हैं और आने वाली है वो फिल्म जल्दी, तीफा इन ट्रबल। तीफा इन ट्रबल के अंदर आप? वाह 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 जी। सर आप देखने जाएंगे फिल्म? जरूर। अच्छा जी, सारी फिल्में देखते हैं? नहीं। तो फिर ये वाली क्यों देखोगे? क्योंकि आपको कोई नाम तो नहीं अट्रैक्टिव लगा तीफा इन ट्रबल? नहीं नहीं, अपने हालात से मिलता जुलता कुछ। हमने कठे प्रोग्राम ये कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा इनके जरूर मैं मूवी देखूं। आप जिसके साथ प्रोग्राम करते हैं उसके साथ चल पड़ते हैं? नाम कैसा लगा आपको? नाम बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, आजकल के वक्तों के मुताबिक। वैसे मुझे ये बताइए आप, बल्कि फिया अच्छा है आप यहाँ बैठी हुई है, जर्मन जुबान में आपने तर्जुमा करना है? अल्लाह खैर। ठीक है, तो आप इसका तर्जुमा क्या होगा? मुझे क्यों निकाला? वारुम हास्तु मिश रौस्किश्मिसन। एक एक करके मेरी बहन। वारुम। वारुम। सर आप सुने, आपके लिए करवाया मैंने। वारुम मींस व्हाई। वारुम। वारुम। वे से हां जी, वारुम। हास। हास। डू। डू। यानी के यू। मिश। मिश। मी। राउस। राउस। गिश्मिसन। बोले आप, रिपीट करें। नहीं, मेरे से तो नहीं बोला जाएगा। आपका नेचुरल लाइन है। वैसे क्या था, मुझे क्यों निकाला? नहीं सर, जर्मन में कहे ना, कोई जरा बाहर ज्यादा होता है इसमें। दोबारा बोल दें जी। वारुम। वारुम। हास्टु। हास्टु। मिश। मिश। राउस गिश्मिसन। राउस गिश्मिसन। मियां साहब नूं वी दस देना, वो भी खरे जर्मनी जाके ओही कहण। नहीं, वो यही से कहेंगे बहु गश गश किशमिश। आपको पता है क्यों निकाला? नहीं। आपको पता है क्यों निकाला? हमें भी नहीं पता चला क्यों निकाला। जिन्होंने कढ़िया उन्होंने नहीं पता, तो इन्होंने किसको पता लगा? क्या हाल चाल है आपके? बस भाई परेशान। अरे क्या हुआ? महबूबा याद आ गई पुरानी। हैं? पुरानी छड़ के चलेगी ताड़े पुरानु। ये तो बहुत सालों पहले की बात होगी फिर। हाँ जी, काफी 5-7 साल हो गए, जिंदगी तबाह हो गई। अच्छा, मैंने तो इंजी लगता मेरा भी कामा निकल आया। अरे कुछ नहीं होता, जिंदगी चलती रहती है। उन्होंने तो मैंने इंज धोखा दिता जिवें सब्जी वाले नाल धनिया नहीं देंदे। मैं बहुत परेशान हां। अरे यार छोड़ो, भूल जाओ। महबूब किवें भुल जावां? फ्रिज, टीवी, एसी, यूपीएस, सारा कुछ ओहदे घर मैं लवाया, किवें भुल जाणू मैं? यहाँ तो मेरा वापस करा दियो तो मैं भूल जाना। अच्छा जी, आप उसके साथ इतने अच्छे थे तो उसने आपको धोखा क्यों दिया? बैलेंस की कमी दी वजह तो। क्या बैलेंस? अकाउंट च बैलेंस घट सी, मैनू कहंदी टच मोबाइल लैके दे, मैं 33,000 लैता। फिर खून सवे डब्बा उन्हें मेरे मुंह ते मारया ते आप लॉन्ग मार्च कर गई। ये तो आपने टेक्निकल गलती की ना। फिर आप उसे सच्चा प्यार करते थे? और कैमरे दी सफाई सी।
ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੁੰਨੂ ਸੱਸੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਹਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਡੀਜੇ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਯਾਰ, ਭੁੱਲ ਜਾ ਉਸਕੋ, ਅਬ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਆਗੇ ਬੜ ਯਾਰ, ਸੱਚੀਆਂ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਆ ਦੇ ਆ ਦੇ ਦੇਖਣਾ। ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਆਗੇ ਬੜਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਤਾਏ ਨਾ ਸਰ, ਇਸਕੋ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ। ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਛੱਡ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਜਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਮੁਹੱਬਤ? ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਫੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਖਰ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫੀਆ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਆਪ ਸੁਣਾਓ। ਫੀਆ ਜੀ ਸੇ ਬਲਕੇ ਕਹੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਬਤਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਬਤਾ ਸਕਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਓਵਰ ਦਿਸ। ਦੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਏ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨਹੂਸ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਵਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੋਖੇ ਹੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੂੰ ਨੈਸ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ? ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਾਮੂ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਚਲਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਆ ਸ਼ੌਕ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਤੇ ਹੈ? ਕਿਸ ਕਾ? ਲਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਆ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਕ ਪੁਰਾਣੇ। ਸਿਰਫ ਉਨਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਤੇ ਹੈ? ਨਏ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਤੇ। ਨਏ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਤੇ? ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਣਤੇ ਨਏ ਮੈਂ? ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਕਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਿਆ ਗਾਣਾ ਨਿਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਕ੍ਰੀਪ ਤੋਂ ਆਏ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਇਹ ਇੰਸਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਜੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਸਟਾ ਪੇ ਵੀ ਹੈ? ਹਮਜ਼ਾ ਬਾਸੀ ਸੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਨਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਹਮਜ਼ਾ ਬਾਸੀ ਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ? ਸਰ ਤੋ ਤੋ ਪੀਟੀਆਈ ਮੈਂ ਆਪ ਉਨਕੋ ਕੋ ਫਾਲੋ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੈਸੇ ਆਪ ਕੋ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਬ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਰੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਤੀ ਥੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਉਨਕੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਆਪ ਦੇਖਣੇ ਜਾਏਂਗੇ? ਵੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਵੋ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਂਗੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਯਾਰ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਨਾ ਫਿਲਮ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੇਖੇ ਫਿਲਮ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਇਨਕੀ ਫਿਲਮ। ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਇਨਕੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? 28 ਜੁਲਾਈ ਕੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਉਸਕੇ ਹੀਰੋ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਅਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਅਲੀ ਕਾ ਪਤਾ ਆਪਕੋ? ਸੱਚੀ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ। ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖਤੇ ਆਪ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਤੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੇ ਆਪਕੋ? ਜੀ ਹਮੇ ਬਾਤ ਬਾਤ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਬਾਤ ਬਾਤ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ ਹੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਆਪਕੋ ਕੈਸੇ ਬਤਾ ਦੂੰ? ਨੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਆ ਹੈ? ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨ ਹੂੰ, ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕੈਸੇ ਬਤਾ ਦੂੰ? ਕੈਸੇ ਬਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਨਾਇਬ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਜ਼ੇਨ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਬ ਇਹ ਤੁਮਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕੀ ਸਰ, ਆਪ ਇਸਕੋ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਆਪਕੋ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ? ਆਪਕੋ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੂੰ? ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ। ਆਪਕੋ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕਾ ਕੈਸੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਹਤਾ ਹੂੰ।
ये तो आप बताएंगे। अच्छा। आप तो जहाँ रहते हैं वहां पे तो आप ये करते रहे, आप तो खिदमत कर रहे थे। आपने कहा कि आपने आखिरी फिल्म पता नहीं कब देखी थी। हाँ, नहीं रुक जाए सर, ये बड़ी बात अब जो है ना, ये बात अब निकली है तो बहुत आगे बहुत आगे तक निकल जाएगी। अच्छा तो ये बताएं कि आपको मलिका शरावत का पता है? नहीं। कतरीना कैफ का? यस। करीना कपूर का? वो तो पुरानी है। दीपिका पादुकोण का? अच्छा आप ये बताएं कि आपको सनी लियोन का पता है? जी पता है। हैरान हो गए ने। मैंने कहा ने आप, मैं तुझे वर्दी में नहीं देखना चाहता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ो। मैं कह नहीं सर, शबाज शरीफ साहब मैंने पहले ऑफर कर चुके हैं। ओए होए होए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओए, उन्हें कह मेरी बात सुन, फिर अंदाजा कर ला भाई केड़े पासे तेरी दोस्ती ज्यादा। जिस पासे तेरी दोस्ती ज्यादा उधरों इलेक्शन लड़। मैं कह इसका मतलब है फिर पीटीआई की तरफ लड़ना पैना। मैनू कहंदे ने उरे आ, मैं कोल गया ते मैनू कहंदे ने जो हालात बने खलोते ने मैं लगता मैं भी पीटीआई वालों लड़ना। भाई हालात चेंज हो गए ना, भाई हर बंदा तो पीटीआई जा रहा। अच्छा। मैं कह सर इस तरह नहीं हो सकता। ओके। वो फिर मैं कह चंद दोस्तों नाल मशवरा करके तो फिर फैसला करांगे। हाँ। मैं कह एक बार थोड़े नाल मशवरा कर लवा क्योंकि तुसी एडे समझदार ते नहीं ना। बिल्कुल। इसलिए आप उनसे मशवरा करें जो समझदार हैं और जो इस काम में हैं ऑलरेडी। अच्छा जी, वो देखिए हमारे आज के मेहमान। भाई जदों दा मजाक रात चल रहा ना, ना। ईमान से मेरा दिल करदा सी भाई तुसी इन्हां नूं गेस्ट बुलाओ। अच्छा। बड़े ही नफीस आदमी रहीम यार खान। मैं इन्हां नाल ड्यूटी कीती। अरे यार सोशल वेलफेयर दा इन्हां इन्हां ने काम कीता। अपना इजाज़ शफी साहब। यस। ओ ओ हो माशाल्लाह। कौन ने कह रहे भी तुसी मैनू पूछो कौन ने? अच्छा कौन है? ए फिया जी। ए मेरे बड़े फैन ने। हाँ जी। ओ बेशरम इन्हां दा ड्रामा सी। अच्छा वाह वाह वाह। मैडम पता कहाँ से आई है? मैं जर्मनी। यस। लो मैं दो तीन बार इलाज हमारे पास बर्लिन आए हुए हैं। अच्छा तो मैंने बर्लिन हो गई सी ना। बहुत ही रोटी मैं खाती कितने मैंने जलन हो गई। अबे वो बर्लिन बोलती है। बर्लिन। मैं आपको वाक्य बताती हूँ। टर्किश डिनर कबाब होता है जैसे शवरमा होता है बहुत गोश्त डाल के साथ सैलेड करके तो वो काफी पाकिस्तानी रोटी सालन के करीब करीब लगता है। इनको भूख लगी थी और इन्होंने कहा जी मुझे कुछ ऐसा खाना है तो इन्होंने डिनर कबाब खाया था और इसमें उन्होंने ना क्योंकि वो फीका होता है तो उन्होंने ऐसे खूब मिर्चें अब समझ के मसाला थोड़ा ज्यादा पै गया सी फिर ना देखो इन्होंने खादा नहीं ना इन्होंने तो रख के टुके आना। मगर नहीं ये वैसे बड़ा आपने इंकशाफ किया कि आप बर्लिन भी जा चुके हैं। आपको बर्लिन घुसने कैसे दिया उन्होंने? बाजी जैसे मैं बर्लिन गया ओ किधर निकल गए उन्होंने कहा मियां अफजलव निर्गोली आ रहा निकलो ओ पटाके उठे वजे लोगों ने मेरी लत्तें पटाके चलाए मैं ओए 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 ऐसा ना कर यार बच्चे एडे हसन ओ समझे सन भी मैं कोई बांदर हां। किसी अपना जर्मनी जबान च कहो कि मियां अफजल और निर्गोली मुझे बहुत अच्छा लगा। श्लीब मजाक रात। हाँ कहंदी मैं मजाक रात जदों भी आउनी सिर्फ तुहाडी वजह तों आउनी। नहीं मेरा क्या नहीं पूछ लो। नहीं मैं क्या आई लव मजाक रात। आई लव मजाक रात मतलब समझ कर ना सुनो
वैसे किसकी फैशन सेंस आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती? सुनीता मार्शल, तूबा सिद्दीकी या फिर नूरे भट्टी? बहुत पॉलिटिकल। तो फिर आप इजरा करें ना, जनरल नॉलेज। वेलकम बैक टू मज़ाक रात। जी अजीबोगरीब क्या है आज की पहली खबर है चीन से, जहां एक शख्स को बाबाई बंदर का खिताब दे दिया गया है और इस खिताब की वजह से इन्होंने सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचा रखी है। और इनकी उम्र जो है वो 70 साल है और ये जंगलात में निगरान थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इन्होंने बंदरों की कफालत का काम शुरू कर दिया और स्टार्ट में इनके पास 40 से 50 बंदर थे, लेकिन अब इनके पास 2800 बंदर हैं और इनको बंदरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार। अरे वाह ही ना, मसन बंदर की खबर किड्डे मज़े ना तो पढ़ दी है, बंदर तेरा को फर्स्ट कजन। इन्हें जी जिन्ना तुम टाइम बंदर के पिछले लाया ना, इन्ना तुसी पढ़ाई दे पिछे लाया हुंदा ते अज तुसी डीसी चंग हुंदे। किसी और जानवर पे भी रिसर्च कर लिया करें, हर वक्त आप बंदरों पे ही रिसर्च करती रहती है। प्यार ना ही ना बंदर की खबर पढ़ दी है ना, एक ऐसी कोई पार्टी होगी ना, इंतखाबी निशान भी बंदर ही होगा। सर आप चुप करें, आपको क्या पता कि जब मैं न्यूज़ सर्च कर रही होती तो कैसी कैसी न्यूज़ जो है वो सामने आती हैं। अभी जो मैं न्यूज़ पढ़ के सुनाने वाली हूँ वो जापान से है और वहाँ पे इस तरह से हुआ है कि वहाँ पे एक नीले रंग का तरबूज है और उसका जो नाम है वो मून मेलन है और जो इसके रस का जायका है वो माल्टों के जूस जैसा है बिल्कुल। और अब हैरान कर और दिलचस्प बात यह है कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, है? हाँ जी बिल्कुल, इंटरनेट पे जब मैं सर्च कर रही होती हूँ, जब मैंने पूरी खबर ये पढ़ ली तो एंड पे पता चला कि जो खबर है इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये जो तरबूज है इसको एडिटिंग के जरिए नीला किया गया है। तो जब भी आपको ऐसी खबर पढ़ते हैं तो आई थिंक जानना जरूरी है कि उसमें कोई सदाकत भी है या नहीं। आप बहुत प्यारी, आंखें भी अच्छी हैं, नाक भी पतला सा है, रंग भी वाइट है और इस खबर में भी सदाकत नहीं। लीजिए जैसा आप 2020 सेगमेंट की तरफ आते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको ऑप्शंस दूंगा जिनमें से एक को आपको अपना जवाब बनाना है। किसी ऐसे पॉइंट पे आप समझे कि आप जवाब नहीं देना चाहते तो हमारे जनरल नॉलेज का सवाल को पिक कर सकते हैं। एजाज साहब ये बताइए, अगर आप किसी लड़ाई में फंस चुके हुए हैं और अपने बचाव के लिए आपने किसी एक को बुलाना है तो इनमें से किसको बुलाना चाहेंगे, इमरान खान, आसिफ जरदारी या फिर ताहिरुल कादरी साहब? तीनों में से किसी को नहीं, सर एक को बुलाना पड़ेगा वरना आप जनरल नॉलेज का सवाल। सर ये बताइए मनारे पाकिस्तान के डिजाइनर का नाम क्या था? आप जब चाहें वापस अपने सवाल पे जा सकते हैं। सवाल पे किससे मदद मांगना चाहेंगे, ताहिरुल कादरी, इमरान खान या आसिफ जरदारी? लड़ाई को मिटाने के जरदारी। जरदारी साहब को बुलाएंगे, इनमें से किसकी कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आएगी तो आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आएगी तो आप ना उठाएंगे ना मैसेज पे जवाब देंगे बल्कि फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, तो बताए किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे? शहबाज शरीफ साहब। किसकी कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब देंगे? हमजा शहबाज। और किसकी कॉल आए तो आप फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? ऑर्डर चेंज कर ले तो मरियम को मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, हमजा को। अच्छा, तो यानी कि कॉल आए सीधी तो आप शहबाज शरीफ साहब की उठाएंगे, मैसेज पे जवाब देना पड़े तो मोहतरमा मरियम नवाज को दे देंगे, और आपको अगर फोन आए तो आप फोन बंद ही कर देंगे हमजा शहबाज का, यानी कि उनसे बात ही नहीं करना चाहते आप। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक शख्स का फ्यूचर देख सकने की ताकत आप रखते तो किसका देखना चाहते, चौधरी शुजात हुसैन साहब, जनाब कायम अली शाह या फिर परवेज खटक? परवेज खटक। क्यों? एज ए चीफ मिनिस्टर डिलीवर कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त, कमाल है, बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। ये बताइए मैडम के इनमें से किसकी फैशन सेंस आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती, सुनीता मार्शल, तूबा सिद्दीकी या फिर नूरे भट्टी? सवाल बहुत पॉलिटिकल। तो फिर आप इजरा करें ना, जनरल नॉलेज। और ऑप्शन नहीं, और इसमें नाम ऐड कर दूं? हाँ, और कोई ऐड? सुनीता मार्शल, तूबा सिद्दीकी, नूरे भट्टी, सिबल चौधरी? सिबल की। सिबल की। आपको लगता है कि फैशन सेंस जो है वो काफी सादी है? सिबल आपकी नहीं समझ आ रही इनको फैशन सेंस। ठीक है, ये बताइए कि इन मॉडल्स को जरा रेट कर दीजिए, विद वन बीइंग द बेस्ट, आमना इलियास, नादिया हुसैन, सिबल चौधरी, नूरे भट्टी और तूबा सिद्दीकी। आमना इलियास वन पे, सिबल, तूबा और नादिया हुसैन। नादिया हुसैन आपको आखिरी नंबर पे लगती है सबसे अच्छी मॉडल। ठीक है, आपको भी अब फोन आने लगे हैं, एक फोन आया तो आप फौरन उठा लेंगी, दूसरा आया तो आप मैसेज पे जवाब देंगी, तीसरे पे आप फोन ही बंद कर देंगी, तो इनमें से कौन होंगे वो डिजाइनर्स जिनके साथ आप ये सलूक रवा रखेंगी? जो नाम है आपके पास वो है HSY, नोमी अंसारी और सना सफीनास। किसका आप फोन फौरन उठाएंगी? HSY। किसके फोन को नहीं उठाएंगी, मैसेज पे जवाब देंगी? नोमी। और किसका फोन उठाएंगे नहीं, बंद करके साइड पर रख देंगे? सना सफीनास। सना सफीनास आपका फोन ना वो उठाएंगी ना मैसेज पे जवाब देंगी। बहुत सारी तालियां फिया खान की।
Kuram sahab, thank you so much for being on the show and best of luck for the upcoming election. Fia, aapka bahut bahut shukriya aur umeed karte hain ki Germany mein bhi aap Pakistan ka naam roshan karti rahein. Thank you so much, everyone.